आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 30वें अखिल भारतीय खेलकूद और एथलेटिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया। इस दौरान वहां खेल मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में सभी जनपदों, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को खेल मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। न केवल शिक्षा, संस्कार और खेल के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को देखते, मेरा ये मानना है कि समाज की जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए हमारी जो शिक्षा और संस्कार का समावेश है वो जरूरी होता है। सिद्धार्थनगर में पूर्व सांसद स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी के 78वें जन्म दिवस के मौके पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि सरकार जनता को बहकाने के लिए नए नए बोल बोलती है। वहीं एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी में सब एक हैं, पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कन्नौज को दिसंबर तक खुले में शौच मुक्त करने के लिए जहां एक ओर जिला प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं एक दिन में 10 से 14 हजार तक शौचालय निर्माण कराकर जिला प्रशासन के अधिकारी और ग्राम प्रधान इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके चलते डीएम द्वारा गांव-गांव जाकर शौचालय निर्माण और उसमें प्रयोग किए जाने वाले मटेरियल की जाँच की जा रही है। कन्नौज में रेलवे कर्मियों की लापरवाही के चलते देर रात रेल ट्रैक ठीक करने वाली डीजीएस मशीन रेल पटरी से उतर गई, जिस कारण कई घंटों तक रेल यातायात प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि यह हादसा रेल ट्रैक ठीक करने के दौरान देर रात शुरू किए गए काम के दौरान हुआ। घटना की सूचना मिलने पर रेल अधिकारी ट्रैक दुरुस्त कराने के कार्य में जुट गए। वहीं मौके पर मौजूद रेल पुलिस के इंस्पेक्टर ने बताया कि रेल यातायात अन्य ट्रैक से चालू कर दिया गया है। मथुरा के गांव सुजावली में कुछ दिन पहले हुई 4 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आला कत्ल ईंट को भी बरामद कर लिया। घटना के बारे में बताते हुए एसएसपी ने कहा कि आरोपी ने बच्चे की चाह में किसी तांत्रिक के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद शव को एक गड्ढे में फेंक दिया। हमीरपुर के इटौरा गांव में तैनात दरोगा जब गांव के एक युवक से मोबाइल पर हुए विवाद के बाद मिलने पहुंचे तो युवक और दरोगा में विवाद हो गया। विवाद को देख एकत्र हुए ग्रामीणों ने युवक का पक्ष लेते हुए दरोगा की पिटाई कर दी, साथ ही दरोगा को बंधक बना लिया। कई घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दरोगा को छुड़ाया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। हमीरपुर के एक गांव में जानवरों को चारा देने बाड़े पर गई युवती के साथ पहले से फिराक में बैठे गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद पीड़िता के घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की गुहार लगाई। बलिया के रतसड़ कस्बे में दो पक्षों के बीच जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी। वहीं घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक मदद दी, साथ ही हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पीड़ितों को जाँच कराने का आश्वासन देते हुए दोषी पर कार्रवाई करने की बात भी कही। जब हम लोग लखनऊ पहुंचे तब तक देखे तो इतना विकराल रूप धारण कर लिया था। तो चूंकि घटनाक्रम हुआ पुलिस कंट्रोल करने के लिए, आप जो कह रहे हैं आई होगी, पूरे घटनाक्रम की मजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है। जो भी दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, कोई निर्दोष होगा उसको फंसाया नहीं जाएगा। जो भी इसमें लापरवाही करने में दोषी अधिकारी भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है। जो जो इस दायरे में आएंगे उनके खिलाफ। हरदोई के कोयलबाग कॉलोनी में एससी एसटी कोर्ट में तैनात जज राम बाबू शर्मा ने महर्षि विद्या मंदिर की स्कूली बस को रुकवाकर उसके ड्राइवर को कॉलोनी से बस निकालने को लेकर अपने गनर के साथ मिलकर पीट दिया, साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस भी जब्त कर लिया, जिसके बाद बस में सवार बच्चों ने प्रधानाचार्य के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जज के खिलाफ लिखित रूप से सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। हरदोई में पुलिस अभिरक्षा से पेशी के दौरान भागे बदमाश को जीआरपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी करीब 7 साल पहले पेशी के दौरान मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था, जिसके बाद जीआरपी एसपी ने बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम की घोषणा की थी।
गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक गोदाम में छापे की कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में करीब 40 क्विंटल मिलावटी सॉस और अचार बरामद किया। विभाग द्वारा खाद्य वस्तुओं की गहन जांच के बाद बताया गया कि इस सामान में भारी मिलावट की गई है, जिसके चलते अधिकारियों ने फैक्ट्री में मौजूद सभी खराब सामान को तत्काल प्रभाव से नष्ट करा दिया। साथ ही फैक्ट्री के मालिक को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में कोई भी शिकायत मिलने पर फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने की बात कहकर छोड़ दिया। कुशीनगर में दरिंदगी की हदें पार करती हुई फिर एक घटना सामने आई, जिसमें ग्राम सभा मोतीपाकड़ में गन्ने के खेत में दो अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। इन मृतकों में एक शव महिला का और दूसरा एक बच्ची का है। अज्ञात हत्यारे ने दोनों शवों के सर धड़ से अलग कर निर्वस्त्र अवस्था में गन्ने के खेत में फेंक दिए थे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में लग गई है, तो अब पुलिस कई बिंदुओं पर सोच विचार कर आगे बढ़ रही है। डेड बॉडी मिली हुई है, इसको तो सबसे पहले जो इसका घटनास्थल प्रिजर्व करके और हमारी फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पे एविडेंस कलेक्शन के लिए लगी हुई है और साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। डेड बॉडी जो मिली हुई है उसका सिर दोनों का गायब है, एक छोटी बच्ची लगभग 3-3.5 साल की होगी और ये महिला है जिसका सिर जो है गायब है, इसलिए इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है और उसकी पहचान कराने के लिए भी हमने वायरलेस सेट से अपने यहाँ अन्य थाना क्षेत्रों के लिए भी बता दिया गया, अगर कहीं कोई गुमशुदगी दर्ज हो या कोई इस तरह की सूचना हो तो उसकी तत्काल तस्दीक करा ली जाए और डेड बॉडी की जो है और भी शिनाख्त कराने के लिए अन्य हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा में हरी पर्वत के इलाके में स्थित एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे फर्नीचर और गद्दे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।